press the bell icon on the YouTube app and never miss a सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार रिबाह इमरान को, उनकी स्पेशल गेस्ट होगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाजिया लाई खान जी, जो कि ना सिर्फ बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि बात होगी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक होता है मनुष्य और एक होता है भगवान का भेजा हुआ अवतार। तो मेरे प्रधानमंत्री भगवान के भेजे हुए अवतार हैं और वो जहां जाते हैं, चाहे वो मक्का की जमीन पर जाए, चाहे वो खतर चले जाए, चाहे वो बहरैन चले जाए, चाहे वो ईरान चले जाए, चाहे वो तुर्किस्तान चले जाए, चाहे वो उज्बेकिस्तान चले जाए, चाहे वो अफगानिस्तान चले जाए, भारत माता की जय के तो नारे लगेंगे ही लगेंगे, मोदी जिंदाबाद के नारे लगेंगे ही लगेंगे, जय जय सियाराम के नारे लगेंगे ही लगेंगे। हाँ, भगवान का करिश्मा या भगवान के अवतार का करिश्मा जमीन पर नहीं होता है, जिसमें प्रथम नाम पाकिस्तान का है, जिसके बारे में हम बात करना नहीं चाहते हैं, पर अगर बात मैं नहीं करूंगी तो फिर अवेसी के स्पीच पर पूरा पाकिस्तान लगेगा कि अरे भारत में मुसलमानों को बहुत परेशान किया जा रहा है, क्योंकि अवेसी तकरीबन 20 साल से पाकिस्तान को यही इंफॉर्मेशन भेज रहा था अपने स्पीच के द्वारा कि भारत में मुसलमान बहुत परेशान है। वो तो भला है, मैं तो भगवान राम का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि कहाँ कहाँ से आप लोगों ने मुझे इनवाइट कर लिया, जो 10 महीने में मैंने भारतनों के चीथड़े खोल करके और पजामा खोल के रख दिया है आप लोगों के सामने कि कितना बदतमीज है। अभी आप, मैं जहां पर बैठी हुई हूँ, अभी कल मैं कहीं और रहूंगी, किसी और स्टेट में रहूंगी, अभी मैं वेस्ट बंगाल में बैठी हुई। वेस्ट बंगाल में 10,000 से ऊपर हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया है शेख शाहजहां ने, 10,000 से ऊपर, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का लीडर है, और उस बशीरहाट की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी मुसलमान है, नुसरत रूही जहान, उनके नेतृत्व में बलात्कार का कार्यक्रम चल रहा था। रात में 1-1 बजे महिलाओं को पार्टी ऑफिस बुला करके उनके कपड़े खोले जा रहे थे और जबरदस्ती उनको धमका करके उनके साथ बलात्कार हो रहा था, और टारगेट कर करके हिंदू महिलाओं का, जिनके हाथ में शाखा पौला है, माथे पर सिंदूर है, पैर में आलता है, बिछिया है, उन्हीं महिलाओं को टारगेट करके बलात्कार कर रहा था। अब आप सोचो कि ऐसे के बारे में आपको अवेसी ने कभी बताया अपनी स्पीच में, कभी बोला है अपनी स्पीच में? आपके आपके न्यूज में अवेसी के बहुत सारे भाषण चलते हैं, लेकिन वो भाषण चलते हैं जिसमें वो ये बताता है कि मुसलमान बहुत डरे हुए हैं, वो भाषण छुपा दिया जाता है और अवेसी बोलता ही नहीं है। इससे बड़ा झूठा, लुच्चा, लफंगा और बलात्कारी कोई हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है, जन्म ही नहीं ले सकता है। भारत के महान मर्दों ने तो जो हालत खराब करके रखा है भारत का, हम तो इनको जेल भेजते भेजते हम थक गए हैं। भारत में ये घर से निकलते ही है पैंट का जिप खुला रख करके कि जहां हिंदू लड़की मिलेगी वहां वहां बलात्कार करेंगे, जहां क्रिश्चियन लड़की मिलेगी वहां जिहाद के नाम पर बलात्कार करेंगे, पर ये सब बातें अवेसी नहीं बताता है। तो अच्छा है कि कम से कम मुझे मौका मिला है कि मैं बताऊं, और मैं चाहती हूं कि मैं आप लोगों के साथ दिन भर में एक प्रोग्राम तो जरूर करूं, 24 घंटे में एक प्रोग्राम मैं जरूर करना चाहती हूँ पाकिस्तानी चैनल्स के साथ, ताकि जो फैक्ट है वो मैं सामने रख सकूं 24 घंटे का। अच्छा मैम, एक और न्यूज़ हमारे सामने आती है और वो ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, जो कि आपको पता है कि एक बार पाकिस्तान के एरिया 9 मार्च डेफिनेटली तो उधर गलती से हुआ, उसके बाद इंडिया की जानिब से ये भी स्टेटमेंट आया था। अब हम देख रहे हैं कि ये जो जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस मिसाइल का, ठीक है, जो कि मेड इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू इंडिया में मेक किया जा रहा है ब्रह्मोस मिसाइल, उसको अब सऊदी अरब जो है, इंडिया जो है उसे सऊदी अरब को भी एक्सपोर्ट करने जा रहा है, इस पर आपकी क्या थॉट्स? सऊदी अरबिया ने मांगा है,
सऊदी अरबिया ने मांगा है, हम जबरदस्ती एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सऊदी अरबिया को हमारे ब्रह्मोस मिसाइल की। आप किसी को करोगे ना जो कोई डिमांड होगी, जरूरत है। कंप्लीटली बाय मिस्टेक था, 9 मार्च की बात है और ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो बाय मिस्टेक लॉन्च हो गया और पाकिस्तान पे जाकर के गिर गया। हालांकि आपके यहाँ के एयरफोर्स वाले उसको आकाश में ही रोक सकते थे। देखिए, एक साल पहले ही रिबाहा मोदी जी ने अपनी स्पीच के दौरान ये बात कह दी थी कि जैसे ही भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को गले लगाया, अब बाकी देश जो है वो कतार लगा करके खड़ी हो गई है, हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। तो ये बात उन्होंने बहुत पहले ही, एक साल पहले ही बता दी थी। और पहला फॉरेन ऑर्डर जो आया था, डिमांड जो आया था ब्रह्मोस मिसाइल का, वो एक साल पहले ही आ गया था, तो उनके डिमांड्स को पूरा भी कर दिया गया। दूसरी चीज में ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्रह्मोस नाम क्यों रखा गया। सबको पता है कि भारत और रशिया दो लोगों ने मिल करके, दो साइंटिस्ट ने मिल करके इस मिसाइल को बनाया है। ब्रह्मपुत्र रिवर आपने सुना होगा, हमारे भारत में है ब्रह्मपुत्र रिवर और रशिया में है मॉस्कोवा, उसी दोनों रिवर के नाम को मिला करके ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया है। और इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल का कुछ खासा प्रमोशन नहीं किया था, कुछ खासा प्रमोशन नहीं किया था। अब ऐसा है कि मोदी जी जो है ना, वो इस पूरी दुनिया के ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं, पूरी दुनिया के ब्रांड एम्बेसडर हो गए। मोदी जी खादी पहनते हैं तो सब कहता है हमें भी खादी दीजिए, मोदी जी तांबे के ग्लास में और तांबे के बॉटल में पानी पीते हैं जो मेड इन इंडिया होता है तो सब कहता है हमें भी ये दे दीजिए, मोदी जी लक्षद्वीप चले जाते हैं तो सब कहता है हम भी जाएंगे अब लक्षद्वीप, हम भी नहीं जाएंगे मालदीव्स। तो पूरी दुनिया के ब्रांड एम्बेसडर हमारे भारत के प्रधानमंत्री हो चुके हैं। और एक भारतीय पुत्री होने के नाते मुझे इस बात का बहुत फक्र महसूस होता है, बहुत फक्र महसूस होता है। जिस तरह से हमारे माँ बाप हमारे आइडियल होते हैं और वो बहुत शिक्षित होते हैं तो हमें बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे माँ बाप बहुत शिक्षित है, उसी तरीके से मेरे देश का प्रधानमंत्री ब्रांड एम्बेसडर है और वो इतने खूबसूरत निर्णय लेते हैं तो उस पर हमारे भारत के पुत्र और पुत्रियों को बहुत प्राउड फील होता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस एंड टूरिज्म अजय भट्ट जो भारत से थे, एम्बेसडर ऑफ द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया डॉक्टर सोहेल एजाज खान, एडिशनल सेक्रेटरी अनुराग बाजपाई और अटेंडेंस वो लोग वहां पर थे और ब्रह्मोस का डिफेंस शो उन्होंने किया था, डिफेंस का पूरा शो किया था। उसके बाद फिर इंडियन गवर्नमेंट और सऊदी किंगडम जो है उन्होंने ऑफिशियली अपना स्टेटमेंट दे दिया कि भाई हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप में जो है वो सिर्फ यूपीआई नहीं है बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल भी है। उसके बाद फिर अच्छा ये ब्रह्मोस मिसाइल का जो लागत जो आ रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो आ रहा है वो $375 मिलियन है। आपके बस की बात नहीं है, आपके सरकार के बस की बात नहीं है। हमारे यहाँ एक $375 मिलियन में ब्रह्मोस मिसाइल बन रहा है, आपके यहाँ की GDP 3.14 ना समथिंग है। मैम आप क्या समझती हैं कि आने वाले टाइम में कोई बेहतरी नजर आ रही है? जैसे आपको पता है कि इस टाइम इंडिया मसरूफ है मुस्लिम कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर करने में, तो क्या पाकिस्तान के साथ आने वाले टाइम में? पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री तो नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग यहाँ पर चीजों को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यूज करते हैं। तो फिर कैसे मुस्लिम कंट्री हो गया जब आप कुरान मान ही नहीं रहे? क्या आप सऊदी अरबिया की तरह आप मौत के बदले मौत देती हैं? आपकी सरकार देती है क्या सऊदी अरबिया की तरह, अरब की तरह, क्या जो बलात्कार करता है उसके औजार कटवाया जाता है पाकिस्तान में? क्या इस्लामिक कानून चोरी के अगर कोई चोरी करेगा तो उसके हाथ काटे जाएंगे ये करता है क्या पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान लकुम दीन अकुम वले यदीन मानता है, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो? क्या पाकिस्तान ये मानता है कि कुरान का पहला वर्ड इकरा का है पढ़ो? क्या पाकिस्तान प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है कि पढ़ना है, तालीम हासिल करनी है तो चीन तक चले जाओ? क्या पाकिस्तान इस बात को मानता है कि उसी कुरान में 104 बार इंसानियत की बात लिखी हुई है? क्या पाकिस्तान कुरान की लिखी हुई 800 बार तालीम की जो बात कही गई है 800 बार क्या पाकिस्तान मानता है? क्या 306 बार अल कुरान ने जहां पर ह्यूमैनिटी की बात कही है क्या पाकिस्तान उस बात को मानता है?
बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा अनहो वो बिजनेस टाइकून थी, बिजनेस चलाया करती थी। क्या पाकिस्तान अल कुरान में बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को मान करके क्या औरतों को इज्जत देता है, क्या औरतों को रिस्पेक्ट देता है? बीबी सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हो वो तो जंग के मैदान में तलवार लेकर के उतर गई थी, क्या बीबी सफिया को मानता है अल कुरान से पाकिस्तान? बीबी आयशा वो हमेशा हमेशा शिक्षा की बात किया करती थी, जब भी वो औरतों के साथ बैठती थी तो वो शिक्षित होने की बात किया करती थी। तो क्या अल कुरान में लिखे हुए जो अल्फाज हैं बीबी आयशा के बारे में और जो उन्होंने पैगाम सुन्नत रसूल को दिया है, हम अशरफुल मखलूकात को दिया है, हम मुसलमानों को दिया है, क्या पाकिस्तान मानता है उनको? मानता है क्या? मानता तो नहीं है, बिल्कुल नहीं मानता है। तो आप तो इस्लामिक देश नहीं है, आप मुस्लिम लीग है। आप जिन्ना का जो पार्टी था मुस्लिम लीग, और वो जिन्ना जो सुअर खाता था, वो जिन्ना जो नेहरू के साथ बैठ करके दारू पिया करता था, वो जिन्ना जिसके मुंह पर हमेशा सिगार रहा करता था, आप उसके लोग हैं, आप कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है। जाग जाइए, अभी भी वक्त है, जाग जाइए, आप कोई मुस्लिम कंट्री वंट्री नहीं है, आप मुस्लिम लीग के कंट्री है। आप इस्लाम मानते कहाँ है? आप मुझे बताएं कुरान के कौन से पारे में 72 वर्जिन हूरों का जिक्र है? चलिए बताइए, कहीं जिक्र है 72 वर्जिन हूरों का? तो फिर आपके इस्लामिक प्रेचर तारिक जमील क्यों प्रीच करते हैं 72 वर्जिन हूरों के बारे में? कुरान के कौन से पारे और कौन से सूरा में और कौन से वर्सेस नंबर में ये लिखा हुआ है कि जो 72 वर्जिन हूरें होंगी उसकी हाइट 135 फुट होगी? मुझे बता दीजिए, मैं माफी मांग लूंगी आपसे। तो जो चीज कुरान में लिखी भी नहीं है, आपके इस्लामिक प्रीचर उसका प्रीच करते हैं, आप तो कुरान मानती ही नहीं है। आपका पाकिस्तान तो अल कुरान नहीं मानता है। मोदी जी उनके साथ बैठते हैं जो कट्टरता के साथ अपने धर्म को मानता है, जो दिल से धर्म को मानता है। अब देखिए सऊदी अरबिया अरब जो है वो कट्टर मुसलमान है, कट्टर मुसलमान है। अब मोदी जी कट्टर हिंदू हैं, वो अपने हिंदुत्व से समझौता नहीं करेंगे। और अरब के मोहम्मद बिन जैद और खुर्शीद साहब अपने अपने इस्लाम से समझौता नहीं कर सकते हैं। इसलिए बड़ी आपस में देखिए बन रही है, आपस में बनेगी, बिल्कुल बनेगी। आप तो कुरान ही नहीं मानते। अब आप सोचिए, आप इस्लामिक, आप अपने आप को मुसलमान देश बोल रही हैं, इस्लामिक देश बोल रही हैं, बहुत दूर है मैम हम उन चीजों से। ये बात तो सच है ना, तो झूठ झाट मत फैलाइए ना, आप कोई इस्लामिक देश नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया राय खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें नाजिया खान जी ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि पाकिस्तान को भी उसकी औकात दिखा दी, और खासकर चर्चा की भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जिनका दबदबा और जिनका ओहदा खासकर अरब मुल्कों में बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। हम देख रहे हैं कि भारत के रिश्ते अरब देशों के साथ भी बहुत ही जबरदस्त होते जा रहे हैं, जहां पे हाल ही में ताजा खबर यह है कि सऊदी अरेबिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है, और दूसरी ओर हमने देखा कि कतर भी भारत के सामने झुक गया और 8 वेटरन नेवी ऑफिसर्स को कतर को छोड़ना पड़ा। तो आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।